नमस्कार दोस्तों, जब मंजिल तुम्हारी है तो उसके लिए मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुमको ही करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को 10 दिसंबर दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आयुष वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आयुष वीडियो में आयकर संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय लक्ष्मी माँ लिखें, लक्ष्मी माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 10 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार, आज की तिथि है सप्तमी। आज का नक्षत्र है सत्यवसा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:02 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:24 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 9:07 से सुबह 9:48 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 3 और शुभ रंग है हल्का गुलाबी, लाल और नारंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि इन तीन चीजों से रहें दूर, बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। आइए जानते हैं मनुष्य के लिए जीवन में सफलता प्राप्त करने और सुखमय जीवन बिताने में चाणक्य की नीतियाँ काफ़ी मदद करती हैं। चाणक्य के मुताबिक मनुष्य अपनी आदतों से श्रेष्ठ कहलाता है। चाणक्य के मुताबिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। इन बातों का ख्याल रखने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास होता है। मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना रखने वाले मनुष्य को सबसे पहले झूठ का त्याग कर देना चाहिए। उनके मुताबिक झूठ के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को क्षणिक सुख मिलता है और पूर्व दुख में बदल जाता है। इसलिए जीवन में लंबे समय तक सुखी रहने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना बेहद जरूरी है। चाणक्य के मुताबिक सत्य के मार्ग पर चलने वाले और स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा ना लेने वाले व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी खुद ब खुद चली आती है और उनके घर परिवार में खुशियाँ भर जाती हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मनुष्य के लिए आलस को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। वो कहते हैं कि आलस मनुष्य को पीछे धकेलता है और उसके प्रतिस्पर्धि आगे निकल जाते हैं, वहीं नए मौके भी उनके हाथ से निकल जाते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के पास से जल्दी चली जाती हैं। चाणक्य के मुताबिक मनुष्य को लालच से दूर रहना चाहिए। लोभी व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिल पाता और इस स्थिति में वो और पाने की चाहत में गलत रास्ते का इस्तेमाल करता है। गलत रास्ते पर चलकर कमाया हुआ धन हमेशा दुख का कारण बनता है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन के दुखों से दूर रहने के लिए लालच को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशि फल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, गर्दन कमर में लगातार दर्द परेशान कर सकता है, इसे नज़रअंदाज ना करें, खास तौर पर जब इसके साथ आपको कमजोरी महसूस हो रही हो। आज के दिन आराम करना बहुत अहम है। आपका कोई दोस्त आपसे आज बड़ी रकम उधार मांग सकता है। अगर आप उसको यह रकम दे देते हैं तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। आपके प्रियजन खुश हैं और आपको शाम के लिए उनके साथ कोई योजना बनानी चाहिए। रोमांस आनंददायी और काफ़ी रोमांचक रहेगा। अहम योजनाओं को समय पर पूरा करके आप काफ़ी लाभ हासिल कर सकते हैं। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों में पूरा नहीं हो पाए थे। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं आज का दिन सामान्य रहने वाला है। किसी समारोह में आज खुद को अकेला महसूस करेंगे। इससे निजात पाने के लिए सकारात्मक सोच का सहारा लें और लोगों से बेझिझक बात करें जो आपको अकेलेपन से दूर रखने में मदद करेगा। आज कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। दोस्तों की मदद से आर्थिक समस्याओं का हल हो जाएगा। आज आप जीवन साथी को किसी मामूली बात पर डांटने के बजाय उन्हें विनम्रता से समझाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके प्यार में इजाफा होगा। व्यापार में धीमी प्रगति आपको हल्का सा मानसिक तनाव दे सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं आज भाग्य आपको कुछ अच्छे मौके देगा।
आपको अपना व्यापार बढ़ाने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। लोगों को जल्द पैसा उधार देने से बचें। महिला घर पर ही कोई नया काम शुरू करने की सोच सकती हैं। शिक्षण संस्थान चलाने के लोगों के लिए आज का दिन कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। महत्वपूर्ण रिश्ते और अच्छे हो सकते हैं। वाहन तेज गति से ना चलाएं, सेहत आज ठीक ठाक बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको बताएं, आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई। नौकरी और बिजनेस में भी आपको फायदा मिलेगा। लाइफ पार्टनर आपके नाम से कोई संपत्ति या घर का कोई बड़ा सामान भी खरीद सकते हैं। ससुराल में अपोजिट जेंडर वालों से आप सावधान रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई या किसी सेमिनार की वजह से आपको घर से बाहर जाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन रहे हैं। पुराने मकान, दुकान या जमीन से आपको पैसा मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज अपने घर के लिए आराम या विलासिता की कुछ वस्तुएं खरीदेंगे। अतिथि आपकी शाम को सुखद और यादगार बना सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए आज का दिन आदर्श दिन है। आज दिन भर के दौरान आप पर काम का दबाव बढ़ता रहेगा। इसके कारण आपको अपने कार्य को पूरा करने में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। आपकी दिनचर्या अनिष्ट उग्रता के कारण भंग हो सकती है। बड़े और प्रमुख निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आज आपके हैरान और परेशान होने की संभावना है। सभी प्रकार के तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़े से आप दूर रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपको बताएं, आज आपका दिन फालतू की गतिविधियों से हटकर पूरी तरह अपने कार्यों पर केंद्रित रहेगा। नई नई योजनाएं दिमाग में आएंगी और नज़दीकी संबंधों की मदद से उन योजनाओं को क्रियान्वित रूप से प्रदान करने की आप कोशिश करेंगे। दिन सुखद व्यतीत होगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण रखें, अत्यधिक उदारता नुकसान दे सकती है। कभी कभी आपकी क्रोधपूर्ण बातें आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। अपने व्यापार को संयमित रखना जरूरी है। तनाव की वजह से भरपूर नींद भी आप नहीं ले पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, व्यवसाय तथा नौकरी दोनों ही कार्य क्षेत्र में उचित उपलब्धियां बन रही हैं। इसलिए व्यर्थ की बातों में ध्यान ना देकर अपने काम से ही मतलब रखें। राजनीतिक मामलों में खुद को दूर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, आज आपको अपने जीवन साथी या प्रेमिका का साथ मिलेगा। साथ ही साथ कह सकते हैं कि आज आपका अपना जीवन साथी आपकी हर काम में आपकी मदद करेगा और आपकी हर बात को सुनेगा, जिससे आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्या आज खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी का सकारात्मक सहयोग आपको आत्मबल व आत्मविश्वास प्रदान करेगा। आपसे संबंधों में और अधिक नज़दीकियाँ आएंगी। बच्चों की हंसी व किरकारे संबंधी कोई सूचना मिल सकती है, जिससे घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा, जिससे प्रेम संबंधों में और अधिक गंभीरता आएगी। वैवाहिक संबंध भी ठीक रहेंगे। पारिवारिक माहौल आज खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आज आप काम की वजह से आपको थोड़ी थकान व कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके चलते आपको आराम करना चाहिए। और आपको बताएं कि आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।